मिर्जापुर संसदीय सीट के उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में, किसी ने नहीं लिया पर्चा वापस, चुनाव चिन्ह हुआ आवंटित। लोकसभा उपचुनाव में गठित एसएसटी की टीम ने सीएमएस कंपनी की वैन को रोककर की औचक जांच। वैन में 46 लाख रुपए मिलने से फैली सनसनी, आयकर विभाग के जांच के बाद वैन और रुपए सही पाए जाने पर किया मुक्त। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र स्मृति 2 दिवसीय व्याख्यान का हुआ समापन। वक्ताओं ने आधुनिक भारतीय दार्शनिक विमर्श, आध्यात्मिक एवं स्वतंत्रता की अवधारणा पर रखे विचार। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने की योगी और मोदी सरकार की जमकर तारीफ। जिला 6 अधिकारी ने कहा 2025 तक पूरी तरह से हो जाएगा टीबी का उन्मूलन भारत से। भारतीय जनता पार्टी के आईटी कार्यकर्ता व वॉलेंटियर सम्मेलन हुआ संपन्न। सोशल मीडिया को मजबूत कर सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर दिया गया जोर। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, रेडियो पर चलाए जाने वाले विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति का किया गठन। दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, किया जागरूक। दीवान बाजार के शिव मंदिर से निकाली गई भव्य कलश और शोभा यात्रा, दर्जनों झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के फाइनल ईयर के छात्रों को दी गई विदाई, छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। न्यू इंडिया इनक्लेव के तहत आयोजित हुई विचार गोष्ठी, दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में वक्ताओं ने रखे अपने ओजस्वी विचार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मनाई संत गाडगे की 142वीं जयंती समारोह, कहा युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। गोरखपुर की डी वॉक्स प्रोडक्शन हाउस ने तैयार की अपनी पहली शॉर्ट फिल्म, कहा कलाकारों को अब मुंबई और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने 2 मार्च को जनपद के सभी शराब बार और भांग की दुकानों को बंद रखने का जारी किया फरमान। शुक्रवार को राप्ती नगर विस्तार योजना के 10 आवंटियों को जीडीए ने दिया कब्जा। खेल छात्रावास के लिए शुरू हुआ मंडल स्तरीय ट्रायल। और गोरखपुर ने खलीलाबाद को 59 रनों से हराया।